नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मनी टॉक्स। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट यानी कि आपके पैसे का, ठीक है, आपके पैसे का सिस्टमेटिकली यूज करना और कुछ पैसा जो है वो सेव करके इन्वेस्ट करना अलग अलग जगहों पर, इसे बोला जाता है मनी मैनेजमेंट, ताकि आप लोगों को जो है वो इन फ्यूचर पैसों की दिक्कत ना आए। क्योंकि हमारी, हम सबकी सैलरी जो होती है वो लिमिटेड होती है, किसी की 20,000 होती है, किसी की 50,000 होती है, किसी की 1,00,000 होती है। उसी सैलरी के अंदर हम लोग किस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करके या फिर सेव करके, किस तरीके से बचत करके उसे बड़ा बना सकते हैं एक अच्छे खासे टाइम पीरियड के अंदर, दैट टू कि 10 to 20 ईयर्स के टेन्योर में हम उसे बड़ा कर सकते हैं, अपने सैलरी को ही हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे 5 सिंपल टिप्स और टेक्निक्स में सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं कि जिससे आप ये अपनी लिमिटेड सैलरी को इन्वेस्ट करके या फिर किस तरीके से कहां पर आप उसको मैनेज करके बड़ा पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपल प्लान है, 5 रूल है, सिंपल सीक्रेट्स है 5, तो उसमें से हम लोग एक एक करके उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, पहला सीक्रेट से आपको एक बहुत अच्छा बजट तैयार करना पड़ेगा, बिल्ड अ सॉलिड बजट। ठीक है, तो बजट क्या है? अब तो बजट यानी कि आपकी आय कितनी है, यानी कि आपकी सैलरी कितनी है। आप हो सकते हो सैलरीड पर्सन हो, जॉब पर्सन हो, या फिर आप बिजनेस करते हो, तो आप अपने लिए क्या सैलरी लेते हो, ठीक है, कितना पैसा अमाउंट आप अपनी सैलरी के लिए लेते हो। तो उस सैलरी को किस तरीके से हम लोगों को बजट में कन्वर्ट करना है वो बातें जान लेते हैं। तो पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो आपको सारे आपके खर्चे जो है फिक्स एक्सपेंसेस आपको लिख लेने हैं। फिक्स एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो आपको मंथ ऑन मंथ लगने ही वाला है, ये खर्चा होने ही वाला है। ठीक है, जैसे कि आप अगर रेंटल हाउस में रहते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, ठीक है, लाइट बिल का खर्चा फिक्स है, वो कोई चूकता नहीं है, ठीक है, बाकी आपका ग्रोसरीज का और मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सब्जी वगैरह का खर्चा, वो फिक्स होता है, जो आपको खाने के लिए चाहिए वो फिक्स अमाउंट आपकी होती है, तो वो एक फिक्स एक्सपेंसेस हो गया। अब दूसरा टाइप आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो वेरी करते हैं, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आपने कभी होटलिंग कर लिया, कभी मूवी देखने चले गए, कभी शॉपिंग कर लिया, किसी मंथ शॉपिंग नहीं भी किया, किसी मंथ कर लिया, तो ये चेंज होता रहता है ना, ये कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसे 2 लिस्ट आपको बनानी है। उसमें से आपका फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़े सस्ते कपड़े ले लिए, या फिर महीने में एक ही बार मूवी देखने गए, या फिर आउटडोरिंग जब करते हैं, घूमने जब जाते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 साल अगर हम लोग नियर अबाउट लोकेशंस पे गए, बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसेस ट्रिप हमने नहीं प्लान की, तो कोई बिगड़ने नहीं वाला है। ठीक है, 2 से 5 साल आप लोगों को देना होगा इस चीज के लिए। तो ऐसे आप अपने वहां से खर्चे कम करके उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ये आपको बजट तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से किया जाता है पहला आपका बजट। तो सैलरी का मैं मानता हूं कि सैलरी का 80% आप खर्च करो, बाकी 20% आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट उससे करना चाहिए। अब दूसरा जो आता है, अपने सैलरी को, अपने जो सेविंग्स है, सैलरी में से जो सेविंग्स निकाली हमने 20% की, उसको ऑटोमेट करना है। अब ऑटोमेट किस तरीके से कर सकते हो? देखिए, आप अगर इस तरीके से अगर सोचोगे कि मैं हर महीने अपने हाथों से इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो चीजें होने नहीं वाली है, बिकॉज आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा, मौज मस्ती करने में आप लगे रहोगे, ठीक है, तो वो सेविंग्स हो नहीं पाएगी। तो ऑटोमेट किस तरीके से करना है? बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है या फिर SIP टूल्स है, जहां पर आप अपने सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि मंथ ऑन मंथ अगर आपने डाला है कि 2,000 रुपए कट हो जाने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना, इस फंड में, म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपए मेरे ऑटोमेटिक कट होने चाहिए हर मंथ इस तारीख को, तो वो हो गया ऑटो डेबिट, है ना। तो ऑटोमेटिकली आप अपने सेविंग को क्या कर रहे हो, काम पे लगा रहे हो, वो एक तरफ से इन्वेस्ट होता जा रहा है, और वो अमाउंट फिर आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेट यूअर सेविंग्स, करेक्ट। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, डाइवर्सिफाइड यूअर इनकम। ठीक है, डाइवर्सिफाइड यूअर इनकम या फिर डाइवर्सिफाइड योर इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। तो डाइवर्सिफाइड करना अपने इन्वेस्टमेंट को,
यानी कि क्या, अलग अलग जगहों पर आपकी इन्वेस्टमेंट को लगा देना। लेट से आपने डिसाइड किया कि मैं महीने का 5,000 रुपए या फिर 6,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा हर मंथ, ठीक है। अब वो 6,000 रुपए सिर्फ स्टॉक में नहीं लगाना है, या फिर सिर्फ गोल्ड में नहीं लगाना है, या फिर सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं लगाना है, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आपका गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन है आपका रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और चौथा ऑप्शन है आपका बॉन्ड्स, और पांचवा है म्यूचुअल फंड। इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा डाइवर्सिफाइड करना अपने इन्वेस्टमेंट को, ये किस तरीके से किया जाता है, आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक जो है, या फिर फोर्थ पॉइंट जो है, वो है प्रायोरिटाइज योर इमरजेंसी फंड, ठीक है। इमरजेंसी फंड को भी निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक आपके सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक ऐसे फंड में जाना चाहिए जो आप सिर्फ इमरजेंसी में यूज करने वाले हो। जैसे कि आप कभी मेडिकल कंडीशंस में आ गए, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, या फिर आपको कोई हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, इस तरीके की इमरजेंसी फंड की व्यवस्था हमें करनी होगी, जो कि हम लोग सिर्फ विड्रॉल करने वाले तभी जब हम लोगों को उसकी बहुत ज्यादा नीड होगी, जरूरत होगी, तभी हम उसको विड्रॉल करने वाले। तो एक छोटा सा अमाउंट 300-500 रुपए आप एक अलग से अकाउंट में रख सकते हो, जो कि इमरजेंसी फंड की तरह आपके लिए इमरजेंसी में काम में आने वाला है। ओवरनाइट आप किसी और के पास पैसे मांगने तो जा नहीं सकते, तो अपने ही सैलरी में से एक छोटा सा हिस्सा कुछ भी आप निकाल के साइड में रख सकते हो। ऐसे तो होगा नहीं कि हर महीने आप बीमार पड़ोगे, 6 महीने साल भर बाद आप अगर कभी बीमार पड़े तो उतने टाइम पीरियड में अच्छा खासा अमाउंट आपका सेव जो है वो हो जाता है। तो ये एक इमरजेंसी फंड। और फिफ्थ और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जिसको हम आज रिवील करने जा रहे हैं, अपने आप को एजुकेट करना, एजुकेट यूर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को एजुकेट करना, यानी कि किस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है ये आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में, रियल एस्टेट में, या फिर स्टॉक्स में आप किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हो ये आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को न्यूज से किस तरीके से अपडेट रखोगे ये आपको सीखना पड़ेगा, न्यूज को किस तरीके से रीड करना है, उसको किस तरीके से समझना है, और उसका किस तरीके से हम लोगों को इस्तेमाल करना है हमारी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का न्यूज आया, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को, इस सेक्टर को सब्सिडी देना स्टार्ट किया है टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो हमारी कंट्री में, तो आने वाली ग्रोथ क्या कहां पर दिखाई दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो किस कंपनी को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके स्टॉक जो है वो ज्यादातर ग्रोथ दिखा सकते हैं, ये हम लोगों को पता चलता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा आपको लेना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और अगर आपको एजुकेशन लेना है तो मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करोगे तो वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जहां पर आप सीख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, और वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, सीख सकते हो मनी मैनेजमेंट को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।